रसोई को मंदिर की तरह जूठे बर्तन छोड़ना नहीं, गूथा हुआ आटा फ्रिज में रखना नहीं, ये सब दरिद्रता को निमंत्रण देगा। फूटा हुआ बर्तन यूज में आया ना, फूटा कुछ लोग कटोरी टूटी है चटकी है यूज में आ रही है, गलत है। चटका हुआ बर्तन, गूथा हुआ आटा कि चलो आटा बच गया सवेरे बना लेंगे इसकी रोटी ना, ये सब दरिद्रता को निमंत्रण देता। जिनके यहाँ बासे आटे की रोटी बनती है, जिसके यहाँ बर्तन रात में जूठे पड़ी रहते हैं, रसोई बिल्कुल गंदी पड़ी रहती है, अन्नपूर्णा, वो अन्नपूर्णा मंदिर है, वो मंदिर अशुद्ध हुआ तो वहां से जितनी एनर्जी पॉजिटिविटी एनर्जी है, अन्नपूर्णा माँ की कृपा है, वो वहां से हट जाएगी। इसलिए बात समझो, बहुत साइंटिफिक बातें हैं। हमारे शास्त्रों पहले क्या होता था, माताएं भोजन बनाने के बाद तुरंत रसोई को गाय के गोबर से चूल्हे को लीपा करती थी। ये दौर किस किसने देखा है पुराना, मैया आपने देखा, पहले कच्ची रसोई होती थी, चूल्हा लकड़ी वाला कंडा, हाँ किया है आपने, हाँ फिर मैया आप सब जानती हो, गोबर से लीपना, गोबर से लीप कर वो शुद्ध हो गया कल के लिए, है ना। ये सब पवित्रता, ऐसी पवित्रता में रहे हो इसलिए आज तक आप लोगों के विचार पवित्र हैं। गंदगी आती तो विचार गंदे हो जाते, इसलिए आप बचे हैं, अपने बच्चों को भी बचाइएगा हर बुराई से, और आपका धर्म है कि आप अपने बच्चों को बचाइए और आहार विहार की शिक्षा दीजिए, क्या पहनना है, क्या उड़ना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना। आजकल समाज वो खा रही है जो नहीं खाने योग्य, किसी के भी हाथ का खाए जा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, आदमी उंगली नाक में डाल रहा है, ऐसे ऐसे घुमा रहा, वही तुम्हें पानी भर के दे दे रहा, पानी पूरी में लो खाओ, और खा रहा आदमी, पसीना पहुंचता जा रहा है, और वही हाथ डुबा के पानी पूरी में भर के पानी दे रहा, तुम खा रहे हो मस्त। अब तुम्हारी बुद्धि का दिवाला नहीं निकलेगा तो क्या होगा, भ्रष्ट हो जाएगी बुद्धि। जो खाना हो शुद्धि से घर में बनाओ, क्या जो खाना है कहां बनाओ, जोर से घर पे बनाओ। हमारी माताओं को चाहिए कि आप तरह तरह का बनाओ व्यंजन, और बच्चों को इतना बढ़िया घर में ही तृप्त करो कि उन्हें बाहर खाने की जरूरत ना पड़े। आजकल तो मम्मियां भी एडवांस चलो बाहर से बुलवा लेते हैं, इन्हें भी लगता कौन बनाए। आजकल स्त्रियां इतनी आलसी हो गई हैं, कुछ स्त्रियां के भोजन बनाने में उनके दर्द होता है। अब जब तुम भोजे से घर में भोजन नहीं बनता तो घर है कि क्या है, भोजन तो घर पे होना चाहिए, भोजन भजन पर्दे के अंदर, बोलो हाँ।